कि की आलमदार सिस्ता सीतलवार जी को मैं चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट दे, आपका इस्तकबाल करें और मैं चाहता हूं कि आप आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। मंच में बैठे हमारे साथी बहुत पुरानी पौराणिक साथ है इलाहाबाद की। ये जगह की बहुत बड़ी अहमियत है क्योंकि जैसे कि कहा गया सदर साहब के जो वालिद थे वो न सिर्फ यहाँ के बहुत जाने माने एक वकील और हस्ती है शहर की शान थे, मगर हमारे साथ भी बहुत तरीके से जुड़े हुए थे। मुस्लिम्स और सेकुलर डेमोक्रेसी का जब फॉर्मेशन हुआ अपने शहर में तो बहुत इसके हिस्सेदार थे, इसलिए बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ पे जमा हैं। और साथ साथ में पूरे सांसद जी हैं, एडवोकेट साहब हैं, परमा जी हैं, फातमी साहब हैं, एडवोकेट फरमान नकवी साहब हैं, उत्पला अंशु मतलब दोस्त भी हैं, साथी भी है। दुख दर्द से हम लोग बहुत सालों से साथ में ये समस्याएँ को झेलते आए हैं, सादिया जी भी हैं। जो आज विषय जो चुना गया और मैं ऋचा जी की खास खास मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने ऋचा जी को नहीं कहा कि हमें कुछ करना है। बहुत कम वक्त दिया मैंने उनको और उन्होंने इस तरह की मीटिंग से कम वक्त में ऑर्गेनाइज की। ऋचा जी के जो नौजवान साथी हैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी शुरुआत में कि ऋचा जी जैसे नौजवान जब हमारे सामने खड़े हैं हमारे लिए बहुत ही फख्र की चीज़ है, जो हमें लगता है कि आगे बहुत मजबूत करते हुए हमारा देश आगे चलेगा। ये बहुत हिम्मत से लड़ती हैं, बहुत ही सफाई से लड़ती हैं और जब भी हम जहाँ जहाँ भी उनको बुलाते हैं कभी मौका मिलता है तो लोग कहते हैं मुझे पूछते हैं कि सब नौजवान जो लीडर वो बन के आए हैं 5 साल में उसमें ऋचा जी पे आपको कितना की वो खास ये है। बोलता है 3 कारण हैं, एक तो सबसे पहले कि वो एक महिला है, दूसरी बात वो मेरे ससुराल से इलाहाबाद से हैं और तीसरी बात चूंकि वो ऋचा है तो इसीलिए मैं ऋचा को बहुत खास मानती हूँ। आगे वाले दिनों में मुझे लगता है कि उनका बहुत खास रोल। ये लोकतंत्र में मंडराते हुए खतरे हमारे सामने क्या क्या है दोस्तों, मुझे लगता है कभी नहीं ऐसा रहा कि इस तरह का चुनाव हमारे सामने आया जहाँ पे हम एक तरह से उत्साहित भी हैं कि बदलाव आएगा, दूसरी तरह एक घबराहट भी है कि क्या ये बदलाव वाकई आएगा कि नहीं, तीसरी तरह फिक्र बहुत गहरी है कि क्यों इस बार जो ताकतों ने एक जुट होकर सामने करने के लिए काम करना चाहिए था खासी बात ताकतों के खिलाफ वो एक साथ क्यों नहीं हुए। ये सब आम सवाल हमारे सामने घूमते रहे हैं 5-6 महीने से, मगर ये सवालों पे बात करने का वक्त अभी नहीं है। जो हकीकत हमारे सामने है वो है, मैं बार बार अपने आप को ये समझाती हूँ और दूसरों को भी समझाती हूँ कि हम लोग जो राजनीति से बाहर खड़े हुए लोग हैं मगर फिर भी राजनीति को बहुत आदर से देखते हैं, हम उसको कितनी बार बार नहीं करते, मानते हैं कि राजनीतिक ताकतों को कभी कभी कंपल्शन होते हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते। इसीलिए मैं हम सर्वसाधारण शब्दों में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगी। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये चुनाव ये तय करेगा कि क्या हमारे देश की शक्ल हमारी बुनियादी शक्ल वही रहेगी जो हम चाहते हैं, जिसके लिए 250 साल एक बहुत तगड़ा एक आंदोलन चलाया गया था ब्रिटिशों के खिलाफ और उसके बाद जिसमें हर समुदाय शामिल थे, आदिवासी दलित मुसलमान ख्रिस्ती सब शामिल थे जिन्होंने ब्रिटिशों को बाहर निकाला ये देश से। उसके बाद समीकरण और डिस्कशन हुआ इस बात पे कि किस तरह का ढांचा हमें चाहिए, क्या ढांचा हमें इस तरह चाहिए, किस तरह की डेमोक्रेसी, किस तरह का लोकतंत्र चाहिए। ये भी किसी ने ऊपर से थोपा नहीं, बहुत ही गहरी बहस के बाद हमने तय किया कि हमें ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ढांचा चाहिए और जैसे कि पूर्व सांसद जी ने कहा गया इसको आसानी से निकालना मुश्किल इतना आसान नहीं है, मगर फिर भी मुझे लगता है ये चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज एक बहुसंख्यकवाद और एक बहुसंख्यक सोच हमारे बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे बैठी हुई है, संवैधानिक पदों पे बैठी हुई है, ऐसी ताकत बैठी है जो अपने आप संविधान में नहीं मानती,
मतलब वो बहुत ही पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए हैं और खुद अपने संविधान की बराबरी, समानता, एक दूसरे पे सारी सहिष्णुता कह लीजिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 25 से 30 से कर लीजिए, 15 और 16 जो बहुत इम्पोर्टेंट है अहमियत रखते हैं, ये सब कानून की बुनियाद और आर्टिकल और मूल्य हमारे जो अधिकार की बुनियाद ऐसे तैसे नहीं आए हैं, ये संघर्षों के बाद हमारे संविधान में शामिल किए और इसलिए शामिल किए गए हैं क्योंकि हमें अपनी जनता हमारा को एक सपना दिखाना, बराबरी रातों रात नहीं आती दोस्तों, आज ही बराबरी नहीं थी, 10 साल पहले भी नहीं थी, मगर कम से कम ये आश्वासन था लोगों के सामने, एक लक्ष्य था कि हम समाज चाहते हैं जो बराबरी में टिका होगा, हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें निष्पक्षता होगी, बराबरी का मतलब कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होगा, हम यही नहीं देखेंगे कि मोहसिन शेख किसी ने कहा कि दलितों के ऊपर हमला पहले हुआ नहीं, सरकार के बस 10 दिन या 12 दिन के बाद हमारे पंपुना के नौजवान मोहसिन शेख जो आईटी का इंजीनियर था वो मोटरसाइकिल चला के जा रहा था अपना घर से, उसकी पहचान थी कि वो टोपी पहना हुआ था और उसको जिस तरह खींच करके बहुत ही बलवत्ता से मारा गया हॉकी स्टिक के साथ, वो सबसे पहले इंजीन का एग्जाम्पल, एक लाख का आदमी हुआ, एक लाख का आदमी है, उसके बाद लंबे चौड़े नाम को लेने पड़ते हैं, पहलू हो सफर हो जो भी हो, ये जो एक छूट मिल गई, एक तबके एक छूट मिल गई जो इससे पहले तब मिलती थी जब एक हिंसा पैदा किया था, मतलब एक गुजरात 2002, बम्बे 91, हाशिमपुरा, एक माहौल पैदा किया जाता था नफरत भरे बयान, नफरत भरे लेख, 2-3-4 महीने एक जगह पे तोपे जाते थे, एक माहौल पैदा किया जाता था और फिर एक जगह पे इस तरह की बदलता होती थी और हुई भी है देश, मगर सारे देश में कोई भी स्टेशन पर कोई भी सड़क पर ये जो छूट मिली है वो 2014 के बाद इसलिए मिली है क्योंकि वो जो एक तबका है वो चाहे आप उसको 15% मान लीजिए या 27% मान लीजिए या 39% एवरेज मान लीजिए, वो तबका मानता है कि हमें कोई छूने वाला नहीं, चाहे कानून हो रहे जान ले रहे किसी की बेइज्जती, तो वो जो एक छूट ले गई है और वो छूट जिस दिन प्रधानमंत्री का एक रिएक्शन आया प्रज्ञा सिंह पर, वो भी एक भाषण आपको सुनने की जरूरत है, 5 साल की कोई और भाषण प्रधानमंत्री को सुनने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने प्रज्ञा सिंह का डिफेंस जरूर किया मगर हमारे हेमंत करकरे जी के बाद में एक लफ्ज लिखा और यही ये सोच जाना कि जो इंसान एक आईपीएस ऑफिसर होने के साथ साथ संवैधानिक ऑफिसर जो मानता था कि अगर हमें आतंकवाद का सामना करना है तो आतंकवाद का कोई घर द्वारा नहीं होता, हमें खुले जहन से वो एक हाई करनी चाहिए और इसलिए मालेगांव से उन्होंने शुरू किया खाने का उल्लेख चले और सनातन संस्था का नाम पहली बार अगर साक्षी में आया है तो खाने क्लास को लेकर हेमंत करकरे के साक्षी में ये सब ये इलेक्शन में तय होगा, मतलब शाही में आसानी से जाएगी नहीं, घर में निरपेक्षता लोगों के बीच में इतने आसानी से, और पाकिस्तान में कभी नहीं गई है, पाकिस्तान में भी आम जनता ठीक ठाक ही है मगर ढांचा हमारा क्या होगा ये इलेक्शन तय करने वाला, और इसीलिए चूंकि समय नहीं है अफसोस जताने का कि क्यों विपक्ष में एकता नहीं है, ये सब समय गया है, अभी हमारे पास जो हकीकत है वो हकीकत को लेकर हमें चलना है, मैं बिहार में भी घूमी हूँ, महाराष्ट्र में भी घूमी हूँ, गुजरात में भी घूमी और मैं इतना ही समझाने की कोशिश करती हूँ कि आम आवाम और जनता को यह तय करना होगा कि सबसे मजबूत कौन ताकत है जो आरएसएस बीजेपी को हरा सके, ये हम इरादा बना ले, बाकी हमारी पसंद को अलग रखे, बाकी हमारी पहचान जो अगर उत्तर प्रदेश में अगर सामने आता है कि 2014 के आंकड़े गिनने के बाद साफ नजर आता है कि यही ताकत हरा सकती है जो हमारे सामने है और जो लड़ रही है तो उसी ताकत अफसोस है कि बाकी एक पार्टी नेशनल पार्टी साथ में नहीं जुड़ी मगर सवाल वो नहीं है कौन आरएसएस बीजेपी को हरा सकता है ये हमको इस वक्त देखना है, मैं यही कहती आई हूँ चाहे वो ग्राम पंचायत की इलेक्शन
ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, विधानसभा का हो या सांसद, ऐसे दावतों को हमें दूर रखने का काम करना पड़ेगा। ये एक अंश। दूसरी बात, शॉर्ट टर्म हमारा ये गोल है, मतलब पहली बात इनको निकालना, सबसे पहले इनको पॉलिटिकल पावर से निकालने का काम करना पड़ेगा, और चाहे अकलमंदी अकलमंदी से करना पड़ेगा, अफवाह न सुनते हुए, न घबराते हुए, न डरते हुए वोट डालने का काम करना पड़ेगा, ताकि हमारा परसेंटेज ऑफ वोट भी हमारा बढ़े। अगर कहीं वजह से हमारे वोट नाम नहीं है, उसकी आप शिकायत डालिए, हालांकि टाइम बहुत कम है, अगर आपका वोट 12 है, अगर वोट नहीं है तो भी आप उसकी शिकायत डाल सकते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये ताकतों को हमें पावर से बाहर। दोस्तों, इलेक्शन की शुरुआत से एक हफ्ता पहले मैंने कहा ये था जो 15 जवानों में चला कि दिस गवर्नमेंट इज डिक्लेयर वॉर ऑन इट्स ओन पीपल, मतलब ये सरकार ने अपनी आवाम और जनता पे क्रूर जंग छेड़ी, और ये जंग की शक्ल क्या क्या कि ये 5 साल अगर मैं बोलती जाऊँ तो मेरे घंटा उसी में निकल जाएगा, मैं बस 3-4 बिंदु आपके सामने रखूंगी क्योंकि नौजवान साथी आज बहुत सबसे पहले विश्वविद्यालयों को जो उन्होंने जंग छेड़ी, 25,000 सालाना स्कॉलरशिप UGC की खत्म कर दी, ताकि आप जैसे नौजवान जो अलग अलग तबके से उभर आते हैं और ये सपना रखते हैं कि हम 12वीं के बाद PUC के बाद कम से कम हायर एजुकेशन की तरफ जाके इस तरह का शिक्षण लेंगे जिससे हम व्यवस्था को समझें, नौकरियां भी ले और समाज भी कर सकें। ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं, विचार से उमर खालिद, रोहित जैदुला, जिग्नेश कन्हैया जैसे नौजवान पैदा, क्योंकि अगर इस तरह के नौजवान पैदा होंगे तो व्यवस्था फिर हिलने लगती है, सवाल करने लगते हैं, व्यवस्था के ऊपर कड़े सवाल आ जाते। तो सबसे बड़ा जंग छेड़ा गया नौजवानों पर, विश्वविद्यालयों पर। आज हमारे इदारे भी खतरे में हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उसको बाद में बोलना भी आज मुश्किल है। आसाम में जो आज हो रहा है बहुत कम वक्त है, कितनी बहुत गुजरात के काम से हमारा संगठन हमें ज्यादा जानी जाती हूँ, मगर आज सिटीजनशिप फॉर असेंबलीज आसाम में बहुत बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि हम 7 महीनों से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन को लेकर हमने 10 लाख लोगों के फॉर्म्स भरवाए जो गरीब मजलूम लोग थे जिनको वंचित करने का काम सरकार ने किया। मतलब आप एक गरीब इंसान को अचानक कह देंगे कि आप ये देश के नागरिक ही नहीं हैं, 40 लाख लोगों को आपने NRC से बाहर कर दिया, आपने फॉरेस्ट स्ट्राइक्स एक्ट जो कानून 70 साल के बाद जनमन अधिकार कानून बना उसको खत्म करने का काम किया, कामगारों के हकों को खत्म करने का काम किया, हर तबके पे हमला करने का काम ये सरकार ने किया है, क्योंकि ये सरकार बहुत ही टिपिकल फासीवादी सरकार है जो एक तरह से एक्सट्रीम रिलीजियस राइट की सरकार है और दूसरी तरह एक्सट्रीम कॉर्पोरेट राइट की सरकार है। पूरी अपने रेलवे को बेच करके, हमारी पूरी पब्लिक संपत्तियों को बेच करके प्राइवेट कॉफर में लेना, रफाई ये तो सामने ही है कि आपने अनिल अंबानी की कंपनी को ये काम दे दिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को काम नहीं दिया, मगर बाकी भी सैकड़ों ऐसे आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि पूरे हमारे देश के पैसे को खोखले करके चंद लोगों के हाथ में संपत्ति देना, ताकि वो चंद लोगों की संपत्ति के मुताबिक वो पूरी राजनेता नाचेंगे और ऐसा बस। तो इसलिए सरकार को निकालना बहुत सही। दोस्तों, जहर नफरत फैलाने का काम बहुत सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बुनियादी स्तर पर करता है, शाखाओं से लेकर अपने जो अफवाहों की छोटी छोटी कमेटी बना करके बस्तियों में, घरों में, स्कूलों में इतिहास बनाने का काम वो करता है, मगर नफरत और अफवाहों को इस तरह की लेजिटिमेसी मिले समाज में जो आज मिल रही है, हमारी उम्र के लोग और ऋचा की उम्र के लोगों में ये एक फर्क है कि ऋचा की उम्र के लोगों को लगता है कि ये पहली बार है। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि वो एक जमाना था 80s से लेकर 90s तक जब लाल कृष्ण आडवाणी ने ये
बात आगे लेके चले थे कि नफरत को नेत्राइज करने का काम लालकृष्ण अडवाणी ने जो किया था रामचंद्र भूमि के पूरे मूवमेंट के जरिए और बाबी मस्जिद गिराने के जरिए मोदी ने अभी अडवाणी को भी बाजू में रख दिया और अभी मोदी योगी और अमित शाह इसको एक और स्तर पे एक और लेवल पे ले चुके। मैं मानती हूँ सामान्य नागरिकों को आगे चल के चुनाव में जो भी हो नफरत को निकालने का काम करना पड़ेगा। ये सरकार के ऊपर हम नहीं छोड़ सकते। हम चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी दिल्ली में सरकार बने, चाहे वो कोलिशन सरकार हो, साथ में नंबर नहीं आते, जो भी हो हम चाहते हैं कि किसी भी हाल में चाहे वो परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं भी हो मगर हम चाहते हैं कि ये सरकार चाहे। मगर आज और कल में और इलेक्शन के बाद आप और हमारी जिम्मेदारी वोट देने के बाद खत्म नहीं होती। हमें नफरत ये जो जहर हमारे समाज में डाला गया है खतरनाक है, उसको डालना बड़ा आसान है मगर निकालना बहुत मुश्किल है। उसको हम कैसे निकालेंगे उसके ऊपर हमें मुहिम चलानी पड़ेगी। वो मुहिम में हमें हर तबका, उसमें ना हिंदू देखे ना मुसलमान देखे ना दलित देखे ना ब्राह्मण देखे, हर तबके को साथ में लेकर हमको चलना पड़ेगा क्योंकि ये नफरत जो है एक समाज और एक देश को खोखला बना सकती है और खोखला बना रही है। हम अंदर के अंदर के दुश्मन ढूंढते ढूंढते हम खुद हमारा समाज को उठा और ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। बताया गया कि आईपीएस ऑफिसर के साथ क्या हो सकता है जब पकड़े उनके खिलाफ बेरहमी से मार ली थी, जैसे मुस्लिम को मारा वैसे सुबोध जी को भी मारा गया। सब एक बार नफरत पैदा की जाती है तब नफरत सामने वाले को एक हद के बाद देखती नहीं कि कौन सामने है, वो नफरत कि आप उसको लपेट में आ जाओ। हमारे संगठन सीजेपी ने एक छोटी सी मुहिम या बड़ी सी मुहिम शुरू की है, देश हटाओ देश बचाओ। तीन चार स्तर पे हम कैंपेन चला रहे हैं। हम चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं। आज हमें बहुत एक खुशखबरी मिली सुबह जब हमें एक ऑर्डर मिला नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। फरमान साहब है यहाँ पर, बहुत सारे वकील साहब हैं, उनको पता ही होगा कि अगर टेलीविजन पे कुछ गलत चीज़ें प्रकट की जाती हैं, नफरत वाली चीज़ की जाती है, तो जैसे अखबारों के लिए प्रेस काउंसिल है वैसे टेलीविजन के लिए NBSC है। तो हमने एक तय कर लिया है कि चाहे कहीं पे भी कोई गलत प्रोग्राम अगर प्रकट होता है हम आगे कंप्लेंट लेके जाएंगे। सामान्य इंसान डरता है, उनको लगता है बहुत लंबा चौड़ा काम है, हम क्या करेंगे। तो हमारे टीम में से किसी ने देखा गए जून 2018 की बात है कि रविवार के शाम को एक प्रोग्राम जी न्यूज पे रचा है जिसमें बच्चों को बैठा करके इस तरह की कविताएं सुनाई गई जिससे सिर्फ कश्मीर और कश्मीर के हर तबकों पे नफरत उगलने का काम था। इतनी खतरनाक इतना खतरनाक वो कवि सम्मेलन का प्रोग्राम था। तो उसको लेकर हमने पूरा एक पिटीशन बनाया, हमने NBSA को भेजा और कहा कि आपके खुद के गाइडलाइंस के खिलाफ है। आपको पता है कि कोई भी कार्रवाई ये देश में दो दिन दो हफ्ते चार हफ्ते में खत्म नहीं होती। होते होते NBSA ने माना कि हाँ ये सही है, जी ने उसने उसको कॉन्टेस्ट किया कि ये सही नहीं है। फिर हमने हियरिंग मांगी, हियरिंग हुई, गए महीने हियरिंग हुई और आज NBSA ने ऑर्डर पास किया और जी न्यूज को एक वार्निंग इशू किया कि इस तरह के प्रोग्राम आप प्रकट न कीजिए और वो प्रोग्राम जो यूट्यूब पे है उसको निकालने का एक ऑर्डर हुआ। आसान काम नहीं है, लंबा चौड़ा है, तकरीर देने वाला काम नहीं है, लंबे लंबे कंप्लेंट लिखने वाला काम है, इसीलिए सब कोई नहीं कर सकता। मगर हम चाहते हैं कि हर इलाके में ऐसे 10-15 लोग हम पैदा करें, हम फैक्ट्री दें जो इस तरह के काम लेकर आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमने देखा कि व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, हमने देखा कि पर्चे हैं, हमने देखा कि तकरीरें हैं, हम देखे न्यूज़पेपर क्लिपिंग हैं जो सिर्फ नफरत उगाने का काम है। और मैं मानती हूँ कि अगर बाकी कुछ भी नहीं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें ये देश में करने के लिए, हमें पता है कि 24 लाख सरकारी नौकरियाँ नहीं हैं, हमको पता है बेरोजगारी बहुत है, वो सब मुद्दे हम उठाएंगे। मगर हम ये नफरत निकालने का काम ये हमें उद्देश्य बना के एक मुद्दा बना के हम चल रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं ये बहुत खतरनाक है इलाहाबाद के लिए, बम्बई के लिए, पूना के लिए, बेगूसराय के लिए, चाहे कोई भी इलाका है, कोई
कोई भी इलाके में नफरत पैदा कोई भी कर सकता है। और इसीलिए एक तो हम इसके बारे में लोगों को बताते जाते हैं और ट्रेनिंग करते जाते हैं, साथ साथ में हमने एक हेट हटाओ ऐप बनाया है जो एंड्रॉयड फोन पे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वो ऐप में अभी पूरी तरह फाइनलाइज, दो हफ्ते में बहुत परफेक्ट हो जाएगा, अभी भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वो हेट हटाओ ऐप अगर आप डाउनलोड कर देते हैं आपके स्मार्टफोन पे, तो उसी पे आप कंप्लेंट करके डायरेक्टली हमको भेज सकते हैं। और हमें आज तक कम से कम 45 कंप्लेंट उससे मिल चुकी है जिससे हमारा काम चल रहा है। ये हमने बस एक महीने पहले ही लॉन्च किया। तो मैंने सोचा, हम वैसे उत्तर प्रदेश आते रहते हैं, बाकी काफ़ी हम घूमते रहते हैं, कि इलेक्शन के समय बाकी क्या करना नहीं करना लोग जानते हैं। यहाँ पे जिम्मेदारी लीडर बैठे हुए हैं, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की परिस्थिति क्या है और किसको जिताना है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो भी अकलमंद है उसको पता है कि एक ही ताकत है यहाँ पे मौजूद इस गेम में, जो सांप्रदायिक ताकतों को इस वक्त मौजूद हाल में हरा सकते हैं। तो वो कैंडिडेट को आप जरूर वोट दीजिए, मगर साथ साथ, और मैं कह भी दूंगी कि मेहमान की वो ताकत अकलमंद है, मगर साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि ये भी काम हम साथ साथ रखें कि नफरत निकालने का, नफरत हमारे जो समाज में आया है तो एक है तरीका कि हम उसका कंप्लेन करें और वो चीज़ों को हटाएं। दूसरी बात कि हम डायलॉग शुरू करें इसके बारे में। हम चाहते हैं कि हर मोहल्ले में मोहल्ला कमेटीज की स्थापना हो। जो भी अभी अंशु ने श्री कृष्ण आयोग का विश्लेषण किया, जो श्री कृष्ण आयोग का रिपोर्ट जो निकला था 92-93 बम्बई के पोस्ट आफ्री वायलेंस के बारे में, विच इज़ वन ऑफ दोज एग्जेम्पलरी डॉक्यूमेंट्स, बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। अफसोस की बात है कि कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। वो डॉक्यूमेंट में ही रेफरेंस है मोहल्ला कमेटी का, तो मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी कि सुरेश खोपड़े नाम के एक पुलिस ऑफिसर हैं कि जब हमारा बम्बई शहर 92-93 में चल रहा था तो वो भिवंडी के कमिश्नर थे, भिवंडी शहर के, और जो भी बम्बई आता है, जो भी उत्तर प्रदेश से है, उनको पता है कि भिवंडी भी एक कम्युनल हॉटस्पॉट रहा है, जैसे मालेगांव रहा है, हर बार वहाँ पे दंगा तलाई तनाव वगैरह कौमी स्ट्रेस रहा है। 1984 में पत्रकारिता को होके बस एक साल हुआ था 84 में, और मैंने पहला कौमी दंगा भिवंडी बम्बई का देखा 84 में। तो उस वक्त भिवंडी चला, बुरी तरह चला, अभी भी मुझे आंखों के सामने अंसारी बाग दिखाई देता है जहाँ पे 27 लोगों की जान ली गई, अंसारी बाग को एक हर कार्यक्रम को बुलाया गया था। तो वो देखते हुए 92-93 में सुरेश खोपड़े ने जब बम्बई जल रहा था उन्होंने भिवंडी को बिल्कुल शांत रखने का एक काम किया, अकेला किया, हो ही नहीं सकता, एक पुलिस ऑफिसर अकेला तो रख ही नहीं सकता। उन्होंने एक मोहल्ला कमेटी की स्थापना की कि हर जगह जहाँ पे पुलिस स्टेशन है वहाँ पे सर्वसाधारण नागरिकों की कमेटी बनेगी। जो कमेटी आमतौर से जब दंगा नहीं हो रहा है, इसको मैं पीस टाइम लेती हूँ, शांति का समय, जब इलेक्शन नहीं है, जब दंगा नहीं है, जब कुछ नहीं हो रहा है शहर में, आप एक कमेटी फुल टाइम काम करेगी और पुलिस के साथ संपर्क रखने का काम करेगी। और मैं मानती हूँ यहाँ पर जो नौजवान है यहाँ पे बहुत एनर्जी है इस तरह का काम करने की, और वो मोहल्ला कमेटी में आपके विद्वान लोग, आपके वकील लोग, आपके डॉक्टर लोग, आपके एक्टिविस्ट लोग, आपके बुद्धिजीवी लोग, इसमें से अनेक तबके के लोग अगर शामिल होंगे जिसमें हर धर्म हर जाति के लोग हों, तो कोई भी चीज एस्केलेट होने से पहले आप लोग पाएंगे। क्योंकि जब इतने लोगों को मॉडल कमेटी में शामिल होंगे तो उनको सुनने में आएगा कि ये जगह फलाना जगह में टेंशन पैदा करने की कोशिश है, इस तरफ पट्टा बांटने की कोशिश है, आप इमीडिएटली पुलिस के साथ संपर्क करके उसको रोक सकते हैं। मेरा मुद्दा और नशा साफ है, आज प्रशासन और पुलिस पे वही ताकतें हावी हैं जो कानून तोड़ने पे लगी है। आज प्रशासन और पुलिस पे वही ताकतें हावी हैं जो संविधान को उखाड़ने का काम कर रही है। अगर हम और आप जैसे लोग हमारा डर बाजू रख के प्रशासन के साथ संपर्क रखें,
24 घंटा कम से कम घंटे एक दिन का एक घंटा दे दे या उसे के तीन घंटे दे दे, नॉर्मल एक संपर्क रखें तो पुलिस प्रशासन को भी पता चलेगा कि ऐसी ही ताकतें हैं जो चाहती है कि शांति का भंग न हो, अमन शांति बने रहे। हम जब खामोश रह जाते हैं, हम जब पीछे हट जाते हैं, हम जब कुछ करने पे एक पैरालाइज हो जाते हैं बैंक की वजह से, तो फिर प्रशासन उन्हीं के दबाव में आता है जो भंग करना चाहता है, जो कानून व्यवस्था को रखना चाहता है। तो मैं मानती हूँ एक तरह से हेट हटाओ का ऐप का इस्तेमाल आप प्लीज कीजिए, और साथ साथ मोहल्ला कमेटी की स्थापना में चाहती हूँ कि इलाहाबाद जैसे शहर में भी शुरुआत हो इलेक्शन के बाद। इलेक्शन का वो तो खत्म हो जाए, मगर अगर हमारा हमारी और आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई और सरकार जैसे हम चाहते वैसे ही सरकार बनी गई है, फिर और भी काम कठिन हो जाएगा, क्योंकि गुंडे लोग सरकार से बाहर हो जाते हैं, और जब गुंडे लोग सरकार से बाहर हो जाते हैं तब वो और तनाव पैदा करने के लिए हावी, तो फिर आपको हमारा जैसा काम और भी जरूरी हो जाता है। तो क्या हम इसके लिए तैयार हैं क्या, ये मैं सवाल पूछता हूँ, क्या हम इसके लिए तैयार हैं क्या? सबसे अफसोस की बात पाकिस्तान की ये नहीं है कि अच्छे लोग डर और सहम के रहे। मेरे दिल की बात रहा, हम कहीं पर भी जाते हैं, जाते हैं मैं कहीं पर भी कोई भी शहर में, बहुत मोहब्बत और इज्जत मिलता है, मगर खामोश से लोग नहीं मिलना चाहते, लोग नहीं बोलना चाहते, अरे इससे बात करेंगे तो पता नहीं हमारे भी जन्म का हो जाए। हमने बहुत देखा है पाँच साल में, तो ये पाँच साल में जो दोस्ती बनी है ना वो बड़ी पक्की बनी है, क्योंकि वो सबसे बुरे वक्त में बन गई है। इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि क्या आप डर से बाहर निकल के ये काम करेंगे क्या? करेंगे। ये इस तरह की मोहल्ला कमेटी की स्थापना जिससे प्रशासन और पुलिस को पता चले कि कानून व्यवस्था में मानने वाले लोग और संविधान में मानने वाले लोग ज्यादा हैं और गुंडे और साम्राज्य ताकतें बहुत कम हैं, जो हम बार बार कहते हैं तकरीरों में, मगर साबित नहीं कर पाते। हम साबित इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि अच्छे लोग डर के मारे घर के अंदर बैठ के ड्रॉइंग रूम में कोसे रहे, हमको निकलना पड़ेगा, हमको सड़क पे आना पड़ेगा, हमें मुद्दों पे छोटी छोटी मीटिंग करनी पड़ेगी, हमें विवादित मुद्दों पे भी चर्चा करना शुरू करना पड़ेगा। एक बार आप चर्चा शुरू कर दो, यकीन मानो सामने वाले के पास कोई जवाब नहीं। दो दिन पहले हम बैठे थे मनीषा साथ में थी, सोहेल साथ में थे, और तीन घंटे हम एक आरएसएस के घर आरएसएस के घर में बनारस में बैठे, उसको पता ही नहीं था मैं क्यों आया, वो हैरान हो गया था कि तीसरा दिन मेरे पास क्यों आया, मैं मुझे बैठना था, मुझे जाना था, मुझे समझना था, मुझे बात करना था, और नहीं किया, हमको करना पड़ा। इसलिए नहीं कि हम उससे सहमत हैं, मगर कहीं ना उसके बाद वो मुलाकात के बाद तीन बार उनका फोन आया है मुझे सर कि दोबारा कब आएंगे, खाना कब खाएंगे, पता नहीं क्यों कर रहा है, हमें नहीं पता, मगर हमें ये काम करने पड़ेंगे, हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग स्तर पे ये काम करना पड़ेगा, जिससे देखें कि कानून में मानने वाले लोग, संविधान में मानने वाले लोग न सिर्फ ज्यादा है मगर वोकल है, बोल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, डर 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 के कोई संविधान नहीं, भय भयभीत रहने के लिए सहम के कोई संविधान नहीं बचा है। हमें भी पता सांसद जी ने कहा, हमें भी पता कि 80% हमारा हिंदू बिल्कुल धर्म में नहीं, मगर वो खामोश है, वो खामोश है, और उससे मुझे बहुत प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि जब मैं उनसे बात करती हूँ मालूम है, मगर मुझे दुख बहुत होता है कि वो खामोश है, और खामोश की वजह से हमारे अल्पसंख्यक और भी सहम जाते हैं, वो चाहते हैं कि लोग ज्यादा आए बाहर, तो हम कैसे लाए सबको, इसके ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी। एक किसी को हम मेरे बनारस में नाम लेना उचित नहीं होगा, उन्होंने कहा कि सरकार के साथ किसी ने विरोध किया, मतलब ये सरकार है या माफिया है पता नहीं है, मगर जो भी बैठे रहेंगे इसको सरकार का कहना मुश्किल है जो दो दिन वो चला रही है देश को, मगर क्या किसी ने कहा कि हम इनके विरोध में कुछ बोले, उन्होंने कुछ बोला कलकत्ता से,
2 दिन के अंदर उनका बुलावा आ गया और उनको बोला गया कि आपकी कार ईडी है या तो पुलिस है या तो सीबीआई है, कौन सा जाते हो आप ही चूज करो। ये सबके साथ हो रहा है और जिसके साथ नहीं हो रहा है वो मानता है कि मेरे साथ होगा, इसीलिए वो चुप है। ये चुप्पी से हम बचने वाले नहीं है, ये खामोशी हमको बचाने वाली नहीं है। तो इसीलिए मैं बस इतनी विनती करूंगी कि एक तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश का मामला है मैं तो खुली कोई भी कहूँगी कि गठबंधन के खिलाफ कोई ऑप्शन ही नहीं है, पर हम चाहते भी हैं कि गठबंधन के साथ सबसे ज्यादा सीटें आए। मगर इसके साथ साथ मैं कहूँगी कि वोट ज्यादा पढ़नी चाहिए, अफवाह में हमको नहीं पढ़ना चाहिए और साथ साथ में हमें एक दूसरे से शामिल होकर नफरत निकालने का काम हम ऐसा करेंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज। मैं ये मन से और इस मौके पर ये बहस में नहीं जाऊंगी कांग्रेस की कामी मैं मुझे भी नहीं समझता, हैरान हूं मैं कभी कभी, ये वक्त भी नहीं है मौका भी नहीं है किसी को अच्छा लगे। मगर ये साफ है कि हमें ये बहुत लंबे स्तर का काम करना पड़ेगा कि नफरत और शक निकालने का काम हमें करना पड़ेगा, मोहल्ला कमेटी को स्थापित करने का काम करना पड़ेगा। और मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि ज्यादातर नौजवानों से क्या ये काम आप करेंगे या नहीं करेंगे, आप में डर इतना नहीं है जितने हमारे ऊपर के लोग में है। तो नौजवान जो है इसके ऊपर आप तैयार है कि नहीं शपथ लेने के लिए कि नफरत निकालने का और शांति से, उसमें कुछ हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं, कुछ गलत चीज बोली जाए उसको सुननी पड़ेगी, उसका जवाब हम कैसे देंगे, नहीं तो डायलॉग नहीं शुरू होगा। मगर ये काम करना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे अभी नहीं याद, अंशु ने जिक्र किया हमारे काम का, लोग ज्यादातर गुजरात का ही करके, अंशु ने याद किया कि ब्यानवे तिरानवे के बाद असेंबली दावे जब हमारा काम शुरू हुआ एज एक्टिविस्ट, हम लोग उसके पहले पत्रकार थे, तो ब्यानवे तिरानवे के बाद शिक्षा आयोग निकाला गया वगैरह, उसके बाद अब सबको पता है कि 95 में किसकी सरकार आई बन गई है, हम लोग सब झेल चुके हैं आप लोगों से पहले या उत्तर प्रदेश को कुछ भी झेला है तो यहाँ पे हम नहीं कह सकते। मगर बाल ठाकरे की बैठाई हुई सरकार जानने में बंबई में आई और जब वो सरकार आई यूपी की सरकार थी, शिवसेना बीजेपी की सरकार थी, हम गए मंत्रालय में एज ए जर्नलिस्ट में गई पत्रकार मंत्रालय में गई और गोपीनाथ मुंडे के चेंबर में बैठी और बाकायदा विवेक मंत्र मुझे कहता विवेक मंत्र का नाम भी आप शायद पहचानते हो, उन्होंने कहे अब तुम क्या करोगी, अब तुम्हारा क्या क्या रहेगा, आप तो मुझे सरकार में बैठे खुद कह रहे हैं, वो तो तब बैठे थे, जब निकले निकलते हैं वो मुंडे तब आप और हम क्या करेंगे। और अगर जैसे हम चाहते हैं ये जो सांसद बैठे मे के बाद उसमें से ज्यादा हम उन लोगों को उखाड़ करके निकाल लें तो तब हमारे समाज में उथल पुथल और गड़बड़ाहट नफरत पैदा करने वाले सारा लोग होंगे, ये मत समझे कि सब भागे जाने वाले हैं, अच्छा कहीं नहीं जाने वाले। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई, वो चाहते हैं कि 2025 को उस तरह मनाया जाए जैसे हम और आप नहीं चाहते, ये देश पे कब्जा कर, ये सब चीजें हमारे सामने सामने, ये सब चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी और हमें अपने आप का रवैया, अपने आप की पॉलिटिक्स, अपने आप का सब उसको देख के हमको आगे चलना।